डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एसोसिएट्स ऑफ आई एस एम टेक प्राइवेट लिमिटेड, आप सबको बहुत थैंकफुल हूँ जो आप सबकी कोऑपरेशन और सबकी हेल्प की वजह से आज हम इस क्रिटिकल सिचुएशन में इस सिचुएशन को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के वजह से मैंने कल एक एडवाइजरी हम आई एस एम टेक की तरफ से रिलीज़ किया गया था। आई होप एवरीबडी गॉट दैट मैसेज कम्प्लीटली एंड रीड दैट मैसेज कम्प्लीटली। किर्गिस्तान में आज हमारे पास अराउंड के ई सी एम आई एस एम में मिलकर अराउंड 5,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आई एस एम एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड बच्चों को इंडिया भेजने में किसी हालत में हम अगेनेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुश्किल हालात में बच्चे अपना पेरेंट्स के पास रहे, पेरेंट्स को भी एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल सके। मगर हालातों की वजह से आपको भी पता है कितना फास्ट ड्रास्टिक चेंजेस आए कि हम इतना बच्चों को यहाँ से इंडिया भेजने की सारी फ्लाइट्स की व्यवस्था करने के लिए कम से कम हमको 10 से 15 दिन चाहिए कि 5,000-6,000 बच्चों को यहाँ से इंडिया पहुँचवाने के लिए। मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है और वर्ल्ड का सिचुएशन डे बाय डे मिनट्स मिनट्स चेंज हो रही। अभी आपको पता है कि 22nd से इंडिया ने कम्प्लीटली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। इससे पहले हफ्ता पहले से भी जो भी इंडिया के बाहर रहते हैं लोग इंडिया आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामना करना पड़ा। आप लोग भी देखा कि एयरपोर्ट्स में कितना डिफ़िकल्टीज है, 14 days क्वारंटीन में रख रहे हैं। ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को लेते हुए हम डिसीजन लेने से पहले ही इंडियन बॉर्डर ने कम्प्लीटली क्लोज़ किया। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में इवन इंडिया के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी ऑलमोस्ट क्लोज़ किया गया। डोमेस्टिक फ्लाइट्स नहीं है, ट्रेन्स नहीं है, डिफरेंट सिटीज़ को जाने के लिए भी बसेस भी नहीं है। एवरीवेयर लॉकडाउन कर रहे हैं, ईच एंड एवरी प्लेस को कम्प्लीटली क्लोज कर रहे हैं। सो हम इस सिचुएशन को लेते हुए बच्चों को किसी तरह से डिसाइड किया कि ऐसे मेरे टेक्निको ने यहीं पे आप लोगों को अच्छा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटीज देने की कोशिश किया जा रहा है। आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, आप सब कोऑपरेट करिए, डेफिनेटली हम इस मुश्किल को पार करेंगे। हम सबको प्रूफ करना होगा कि इसको किस तरह से पार करेंगे। So, आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप सब प्लीज़ अपने हॉस्टल्स में या फ्लैट्स में कम्प्लीटली लॉकडाउन हो जाइए। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बहुत ज़रूरत होगा तो हम किसी सामान की कुछ लेने की ज़रूरत है तो आप लोग बाहर जाइए, अदरवाइज कीप योर सेल्फ लॉक्ड। सेकंड थिंग, आप कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि यहाँ पे किर्गिस्तान में हेल्थ सिचुएशन को लेकर कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसे करके आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। अगर सिचुएशन वर्स एंड वर्स होता है, मैं सुनील सर कंटिन्यूसली इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म कर रहे सिचुएशन को। अगर ऐसे सिचुएशन होता है जैसे आपने भी देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर अपने आर्मी फ्लाइट्स भेज के बच्चों को लेके गया था, अगर ऐसे हेल्थ कंडीशन बहुत पुअर होता है, ऐसे होने की उम्मीद भी होती है, तो इमिडिएटली हम इंडियन गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें। अभी ऑलरेडी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से बात करें, इंडियन एम्बेसी को एवरी इन्फॉर्मेशन दे रहे, बट आज के दिन के हालात में अभी जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर भी हो सके कि आप देख रहे हो किर्गिस्तान बहुत सेफ कंट्री है, अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहे हैं। किर्गिस्तान में ओनली 6 to 10 केसेस इन्वॉल्व, अभी वो भी 2 cities में हुआ है और 29 दोनों cities को लॉकडाउन किया गया। हम लोग अभी फिलहाल बिश्केक में एक भी केस नहीं है। अभी बिश्केक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कम्प्लीटली क्लोज किया गया, तो बाहर से कोई भी आने की कोई उम्मीद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमरजेंसी फ्लाइट से भी लेके जाते हैं उनको कम्प्लीटली सिटी से बाहर लॉकडाउन कर रहे हैं, कहीं दूर बंद कर रहे हैं उनको क्वारंटाइन में। आज का दिन हम इंडिया भेजना भी चाहेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कुछ वीडियोस वायरल भी हुए हैं एयरपोर्ट में क्या हालात है। आप लोगों को वहाँ जाने के बाद 14 days क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। क्वारंटाइन में रहने से वहाँ पर आपको इस करोना वायरस को आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिए, पैनिक नहीं हुई है। आप लोग सब पेरेंट्स से बहुत दूर है, पेरेंट्स को हौसला दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप खुद ही एक दूसरे को फ्रेंड्स पेरेंट्स का जैसे साथ देना, एक दूसरे को हेल्प करना, इस सिचुएशन को पार करना है। हमने सैनिटाइजर हॉस्टल्स में हर जगह पे रखे हैं। आप लोग भी फ्लैट्स में जितना मैक्सिमम हो सकता है हैंड वॉश करना, जो जो WHO ने आपको रिकमेंड कर रही है उन सबको फॉलो करिए। और हमारा जो स्टूडेंट्स का एक टीम डीन ऑफिस करके रेगुलरली आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उसको फॉलो करें। जो भी सिचुएशन है हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे उस न्यूज़ के तरफ। मैं सबसे बहुत
इस मुश्किल टाइम में रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई फालतू मैसेजेस स्प्रेड नहीं करे, पैनिक क्रिएट ना करे। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प करिए, बट सिचुएशन को खराब नहीं करिए। आपको मैं और एक बार क्लियरली कहना चाहता हूँ कि आईएसएम मेडिटेक बच्चों को अपना घर पहुँचवाना चाहती है, बट एज वेल एज द सिचुएशन कम्स अंडर कंट्रोल, थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट हमको परमिशन दे। इंडियन गवर्नमेंट जैसे हमारे वहाँ एयरपोर्ट्स को थोड़ा सा लिबरल करे, थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, गवर्नमेंट कहती है कि हाँ बच्चों को मूव कर दो, हम इमीडिएटली फ्लाइट्स डेली 3-4 फ्लाइट्स अरेंज करके विद इन 10-15 डेज सारा बच्चों को भेजेंगे। द अदर थिंग आई वुड लाइक टू नो टेल यू अबाउट द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का ऑलरेडी ऑनलाइन एडुकेशन आपको कुछ मटेरियल्स दे रहे हैं, बुक्स दे रहे, टीचर्स ट्राई कर रहे हैं जूम के थ्रू क्लासेस करने के लिए। आप घर में बैठ के कोशिश करिए मैक्सिमम टाइम उस पर स्पेंड करें और एक दूसरे को साथ दीजिए। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरी ऑलरेडी रेक्टर से कॉलेज की वालों से बात हुई है, आप लोगों को एकेडमिक्स में इस सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई लॉसेस नहीं होगा। स्पेशली 10th सेमेस्टर वालों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आपका डिग्रीज भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, डिग्रीज भी ऑन टाइम मिलेंगे, आप लोगों को किसी तरह से एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है कि रेक्टर से हमारी बात हुई है। तो आप लोग सिर्फ टाइम स्पेंड करिए, ट्राई टू गेट द नॉलेज एंड यूज दिस टाइम पॉजिटिवली, बी पॉजिटिव, कोई नेगेटिव मैसेज स्प्रेड नहीं करना। पेरेंट्स को आप हौसला दीजिए, पेरेंट्स को बोलेगा आप खाने पीने का भी आप लोग को कोई तकलीफ होती है फ्लैट्स में, स्पेशली हॉस्टल वालों को हमारे पास बिल्कुल 2 महीने के लिए सारा सामान है, आपको किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, आपको अगर सामान को इकट्ठा करने में किसी चीज़ में कोई तकलीफ हो रही है, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स है मेस के, और पवन सर, शशि एंड व्होएवर द स्टाफ इज देयर, दे आर रेडी टू हेल्प यू टू गैदर योर फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो हर तरफ से हम तैयार है, प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए। जैसे भी आप लोगों को वेकेट करने का इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको बताएंगे। आप लोग पैनिक हो के आज का आज हमें भेजो, इस तरह का रिक्वेस्ट हमारे पास ना आए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम पे। इस तरफ से आपने देखा होगा इस कोरोना वायरस का ओनली एंड ओनली सोल्यूशन इज टू मेक अस क्वारंटाइन एंड मेक अस लॉक्ड इन अ रूम। घर पे बंद हो जाइए, किसी दूसरे से कांटेक्ट में नहीं जाइए। एंड ऑल्सो द अदर वे इट इज देयर कि 20 हम लोग सब मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स आर बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। सो इस एज में इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, हमारे पास ओके सिम्टम्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इस वायरस से अगर इफेक्टेड होते भी हैं, इम्यूनिटी के साथ लड़ेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से यहाँ भी ट्रीट हो सकते हैं, इट्स अराउंड 10 to 12 डेज ऑफ टाइम। सो इस एज वालों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस आने वाले मेडिकल्स हो तो इस सारा कुछ आपके जो आर्टिकल्स आते हैं सब कुछ पढ़ के इसके बारे में नॉलेज गेन करिए। और 10th सेमेस्टर और 9th सेमेस्टर स्टूडेंट्स से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग हॉस्टल में रहें, फ्लैट में रहें, आप लोग प्लीज़ आपके जूनियर्स को हौसला दें, उनको हेल्प करें, उनकी हेल्थ कंडीशंस को रेगुलरली मॉनिटर करें। आप लोग भी विद इन 3 months 6 months डॉक्टर बनने वाले, आप भी ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हो, आप लोग भी इस सिचुएशन को हाथ में लेके जूनियर्स को हौसला दें, जूनियर्स को हेल्प करें। कुछ भी इमरजेंसी होता है मुझे, मैं भी बिश्केक में हूँ, आप लोगों का साथ, मैं भी फैमिली से दूर हूँ, तो कोई इसमें तकलीफ नहीं है, हम सब साथ मिलके इस टाइम को पार करेंगे। थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच।